नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिहान कुमार राम। स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज हम आपके लेकर आए हैं कि स्कोर क्या होता है और कैसे स्कोर होता है, क्या क्या बातें इस पर आपको ख्याल रखना होगा जिससे आप जल्दी से स्कोर लेंगे और जज रेफरी आपको बिना चूक किए हुए आपको पॉइंट दे देंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर छोटा सा भी आपसे अगर मिस हुआ तो आप पूरी वीडियो को समझ नहीं पाएंगे, और पूरी वीडियो अगर नहीं समझ पाए तो आपको पूरा क्लियर पॉइंट नहीं मिलेगा और फिर आपको पछताना पड़ जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन आता है, क्या क्या पॉइंट होते हैं। पॉइंट क्या क्या होते हैं बहुत सारे के मन में रहता है, वही क्लियर नहीं है आज तक। तो पॉइंट तीन होते हैं, इपॉन, वाजारी एंड यूको। तो इपॉन जो होता है उसमें आपको 3 पॉइंट मिलते हैं, वाजारी में आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं और यूको में से आपको 1 पॉइंट मिलते हैं। अब आता है क्राइटेरिया क्या क्या होता है, मतलब ये स्कोर लेने का ना कुछ एक नियम है। जैसे 7 स्कोरिंग एरिया + 6 क्राइटेरिया इज इक्वल टू पॉइंट। आप जो क्राइटेरिया जो इसमें मैं अभी बताने वाला हूँ वो क्राइटेरिया फॉलो करना है, और जहाँ जहाँ मारने के लिए बताया गया है वो आपको फॉलो करना है, तब आपको पॉइंट मिल सकता है। तो अभी 6 क्राइटेरिया क्या क्या है आपको पहले ये ध्यान में रखना होगा, गुड फॉर्म, स्पोरिंग एटीट्यूड, विगरेस एप्लीकेशन और अवेयरनेस और करेक्ट डिस्टेंस। ये चीज़ हो गए आपके 6। इस चीज़ को आप मेंटेन करके रखना होगा तब जाकर आपको पॉइंट मिल सकता है। अब आता है कि आप कहाँ कहाँ मार सकते हैं, किस किस जगह पर आप मार सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो आपको पहले मैं बता दूँ, हेड, फेस, नेक, ये जो गर्दन है, नेक, चेस्ट, एब्डोमन, साइड, बैक, ये 7 जगह पर आप मार सकते हैं तब जाकर आपको पॉइंट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग पॉइंट का तरीका है कि अगर आप फेस में मारेंगे तो क्या मिलेगा आपको, और इसमें मारेंगे तो क्या मिलेगा, बैक में मारेंगे, ये सब कहाँ पर कौन सा किक कहाँ पर पंच बनेगा, उसके लिए अलग से हम पूरी डिटेल में आपको एक वीडियो बना देंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कहाँ पर मारना है और कहाँ पर नहीं मारना है, है ना। और आपको बेल्ट के नीचे, कमर के नीचे आपको कोई भी अटैक में नहीं जाना है। जैसे कुछ टूर्नामेंट में, चैम्पियनशिप में आप थाई में मार सकते हैं। हाँ, अब ये भी सवाल आता है बहुत सारे लोगों की, सर मैं सिर्फ आप रोज़ टूर्नामेंट में के बारे में बताते रहते हैं तो क्या हम टूर्नामेंट के बारे में, मैं आपको सिर्फ टेक्निक बता रहा हूँ कराटे के बारे में कि क्या क्या होता है। अगर आप उसको बढ़िया से सीख जाते हैं तो आप तो रोड में लड़ेंगे ही ना, अगर अच्छे से सीख पाएंगे तो, नहीं सीख पाएंगे तो नहीं लड़ पाएंगे भैया। अब कुछ लोगों का मन में ये रहता है, एक सबसे बड़ा डाउट रहता है कि फाइटिंग का जो टाइम होता है वो कितना कितना मिनट का होता है। तो सीनियर मेल और फीमेल का, सीनियर मेल फीमेल का आता है 3 मिनट का, अंडर 21 का मेल और फीमेल का भी आता है 3 मिनट का, और कैडेट जूनियर मेल और फीमेल का दोनों का आता है 2 मिनट का। ये जो मैं जो 3 मिनट 2 मिनट बता रहा हूँ, ये होता है क्या कि आपको फाइटिंग में जब देखते होंगे कि स्टॉप वॉच लेकर बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, वो उतना देर तक ही फाइट होता है किसी भी जो जूनियर है सीनियर है जिसका, जैसे मैंने टाइम बताया स्टॉप वॉच के हिसाब से 3 मिनट किसी का होता है, किसी का 2 मिनट होता है, किसी का। अब टूर्नामेंट में बहुत सारे लोग क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो मतलब जो ये नहीं है, मतलब रिकॉग्नाइज नहीं है, अप्रूव्ड टूर्नामेंट नहीं है, जैसे जो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट रहेगा जैसे कैब हुआ, काई हुआ, इस सब में रूल्स फॉलो किए जाते हैं कि उसमें आपका 3 मिनट मतलब बोला गया है तो 3 मिनट ही होगा, 2 मिनट बोला गया है 2 मिनट भी होगा। लेकिन नॉर्मल जो टूर्नामेंट है, जो लोग ऐसे स्टाइल के टूर्नामेंट करते हैं तो टाइम कम रहने के कारण वो लोग टाइम का ड्यूरेशन कम कर देते हैं, 1 मिनट 1.5 मिनट जैसा जिस तरह से रहा। तो ये मत बोलिएगा कि ये जो मैं बता रहा हूँ सर मेरे साथ में तो 1 ही मिनट हुआ था, ये दिमाग से उठा दीजिएगा। अगर आपके साथ में हुआ था मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन का गड़बड़ था, लेकिन ये रूल्स के हिसाब से आपका जो सीनियर मेल फीमेल है उनका 3 मिनट, अंडर 21 का 3 मिनट, और जो कैडेट और जूनियर हैं उनका 2 मिनट का फाइट होता है। ये सिर्फ कुमिते के बारे में बता रहा हूँ मैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय ओस।